परम आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से अनुरोध करता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत करें। मंच पर आसीन केवल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के केवल अध्यक्ष नहीं, लेकिन इस देश की 125 करोड़ जनता जो इस झूठी सरकार के जुल्मों के नीचे दिन प्रतिदिन प्रताड़ित हो रही है, जिनको आज देश में एक ही चिराग दिख रहा है और उस चिराग का नाम है मेरे अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी। मंच पर आसीन हमारे प्रदेश के केवल यशस्वी नहीं लेकिन परिश्रमी, मेहनती लोक जनसेवक के रूप में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी मंच पर आसीन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मध्य प्रदेश के महासचिव आदरणीय दीपक बबरिया जी, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राजसाहब दिग्विजय सिंह जी, मंच पर आसीन हमारे समस्त सांसद महोदय, मंत्री महोदय, विधायक महोदय, समस्त कार्यकर्तागण और मेरे मध्य प्रदेश की आन बान और मेरी शान, मेरी समस्त जनता जनार्दन जो इस जंबोरी मैदान में उपस्थित है, आज एक ऐतिहासिक दिन है। ये ऐतिहासिक दिन है आज केवल मध्य प्रदेश की मेरी 7.5 करोड़ जनता के लिए नहीं, इस जंबूरी ऐतिहासिक मैदान से एक संदेश जाएगा, संदेश जाएगा इस मैदान से, क्योंकि मेरा मध्य प्रदेश, मेरा जंबूरी मैदान, मेरा भोपाल केवल मध्य प्रदेश के हृदय स्थल में नहीं स्थापित, मेरे भारत के हृदय स्थल में स्थापित है। एक संदेश जाएगा, संदेश जाएगा यहां से कश्मीर तक, संदेश जाएगा यहां से कन्याकुमारी तक, संदेश जाएगा यहां से असम और मणिपुर तक, और संदेश जाएगा यहां से गुजरात के तट तक। एक संदेश जाएगा मेरे भाई और बहनों, एक संदेश जाएगा राजनीति का नहीं, एक संदेश जाएगा दो तरीकों का। पहला संदेश जाएगा मोदी जी को और अमित शाह जी को, मोदी जी, अमित शाह जी, भारत की जनता अब जाग चुकी है, भारत की जनता अब उजागर हो चुकी है, और जो लोग इस देश में छल कपट की राजनीति करेंगे, जो लोग इस देश में झूठ की राजनीति करेंगे, जो लोग इस देश में गरीबों को प्रताड़ित करने की राजनीति करेंगे, अब जंबूरी मैदान से वो संदेश जाएगा कि देश की जनता उन लोगों को मंच से उठाकर
जमीन पर धूल चटाने के लिए सचेत हो चुकी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस मध्य प्रदेश की एक एक जन जन जनता जनार्दन को, जिन्होंने मध्य प्रदेश में राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार केवल नहीं बनी है। मैंने बार बार ये मंच से कहा था चुनाव के अभियान में, और आज भी मैं कह रहा हूं, ये कांग्रेस की सरकार केवल नहीं है, ये किसानों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार है, ये आदिवासी दलित वर्ग की सरकार है, ये मेरी महिलाओं की सरकार है, और सबसे महत्वपूर्ण ये नौजवानों की सरकार है। तो आज ये संदेश मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं 7.5 करोड़ मेरी मध्य प्रदेश की जनता को, और इसी मंच से जहां मैं धन्यवाद अर्पित कर रहा हूं मेरी जनता के प्रति, इसी मंच से मैं बैठे हुए विकास और प्रगति और न्याय की मूर्ति राहुल गांधी जी को भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। 6 जून 2018 जब मंदसौर की सभा में ऐलान हुआ था कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो 6 महीने के अंदर नहीं, याद है 6 महीने के अंदर नहीं, 4 महीने के अंदर नहीं, लेकिन राहुल जी ने ऐलान किया था कि 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश का हर किसान का 2 लाख तक कर्जा माफ किया जाएगा। और आज धन्यवाद मैं अर्पित करना चाहता हूं राहुल जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री ने 10 दिन में नहीं, मंत्री मुख्यमंत्री बनने का शपथ लेते हुए 6 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश के हर किसान का कर्जा माफ करके दिलवाया। आज सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे भाई और बहनों देश की जनता का है, नेताओं की विश्वसनीयता पर चुनाव जीतने के लिए ये भाजपा के झूठे लोग जिनकी सोच है, जिनकी सोच और नारा है झूठ बोलो बार बार बोलो और जोर से बोलो, जो विश्वसनीयता पर भारत के प्रजातंत्र के नेताओं की विश्वसनीयता पर प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने सोच विचारधारा के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं इनके जो जुमलेबाजी थे, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख आपके खाते में आएगा, और इसी जंबूरी मैदान के मंच से नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, भाई और बहनों बताइए पेट्रोल के दाम घटने चाहिए या नहीं, गैस के दाम घटने चाहिए या नहीं, डीजल के दाम घटने चाहिए या नहीं, और आज इनके सरकार में बुलेट ट्रेन लाने का कहा था मुंबई से अहमदाबाद तक, बुलेट ट्रेन तो नहीं आई लेकिन पेट्रोल तो बुलेट की तरह आसमान तक पहुंच गई है। गैस का दाम यूपीए के शासनकाल में 400 रुपया, आज 1200 रुपया सिलेंडर, और रुपया के बारे में कहते थे मनमोहन सिंह जी आपने अस्पताल में आईसीयू में पहुंचा दिया, मैं कहना चाहता हूं उस मंच से मोदी जी आपके शासन में आपने तो रुपया को कब्रिस्तान में पहुंचा दिया है।
बहुत जुमले लगे थे मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह जी ने कहा था 1200 रुपया दो और साल भर बिजली लो, या कहा था किसान का आय दुगना करेंगे। आज मैं कहना चाहता हूं कि जो ये लोगों ने किसानों के प्रति किया, राहुल जी गए थे महात्मा गांधी जी की जयंती के दिवस पर सेवाग्राम में बापू राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और उसी दिन दिल्ली के सड़कों पर किसानों के ऊपर लाठी चलाई थी मोदी जी ने। यहां टीकमगढ़ में निर्वस्त्र करके किसान को जेल में पीटा था, मंदसौर में किसान के छाती पे गोली चलाई थी। इनके झूठे जुमलों का जवाब कांग्रेस की सरकार ने आते ही मध्य प्रदेश के 45 लाख किसानों का 30,000 से 40,000 करोड़ का कर्जा माफ करके दिखा दिया। ये राहुल जी की प्रेरणा है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई है, चाहे पंजाब हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, जहां किसान आत्महत्या कर रहा है, उनके नायक के रूप में, उनके विकास और प्रगति के मूर्ति के रूप में राहुल गांधी जी एक एक राज्य में अग्रसर होकर निकल रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कमलनाथ जी को। कल के कैबिनेट की मीटिंग में 10 हॉर्स पावर के पंप तक, 10 हॉर्स पावर के पंप तक किसान का बिजली का बिल आधा करके कमलनाथ जी ने दे दिया है। 100 यूनिट बिजली का 100 रुपया का दाम हमारे नौजवानों के लिए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के द्वारा मध्य प्रदेश में हर नौजवान जो बेरोजगार है 100 दिन की रोजगार 4,000 रुपया महीना कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में हर नौजवान को देगा। तो एक प्रगति की सरकार, महिलाओं के शादी के समय में 51,000 रुपया वर के अकाउंट में नहीं लेकिन वधू के अकाउंट में जमा किया जाएगा मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। तो आज ये सरकार जो राहुल जी ने कहा था, एक एक मंत्री, एक एक सरकार का नुमाइंदा मंत्री के रूप में नहीं लेकिन जनसेवक के रूप में कार्य करेगा, हमारी यही प्रतिज्ञा है, हमारी यही एक कल्पना और संकल्प है कि मध्य प्रदेश को उभारना है। और ये याद रखना, ये तो हमारे लिए एक ट्रेलर होना चाहिए, असली लक्ष्य हम तभी पाएंगे जब मई के महीने में मध्य प्रदेश में 29 से 29 सीट लोकसभा के जिताकर राहुल गांधी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय सिंधिया जी।